वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक सेकेंड हैंड कार की शोरूम, और यहां पर आपको सेकेंड हैंड कार वगैरह मिलेगा, यूज्ड कार, और यहां पर कौन सा कार कितना प्राइस में मिल रहे हैं और क्या कंडीशन में है, सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन कर दूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है आमिर और हमेशा की तरह हमारे स्पीड सेलिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई साहब, अगर आप एड्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर एड्रेस की बात करें तो एड्रेस आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा की पूरा एड्रेस मिल जाएगा। और ये दीमापुर के अंदर अगर आप 3 माइल में आते हो तो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही है। यहाँ पर चक्की वैली 3 माइल ऐसा करके एड्रेस है, और हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये रोड का किनारे में है, देखिए यहाँ पर ये बैनर भी लगा हुआ है, और वो भी बैनर लगा हुआ है। और बाकी हम अभी दिखाएंगे यहाँ पर कार वगैरह आपको एक एक करके। और हमारे पास अभी पहला जो कार है ये है वोल्टू, और भाई साहब थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। अच्छा, जैसे ये ऑल्टो स्टैंडर्ड है, 2012 का है। ओके, और इसका रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है। रिपेयरिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये जो है रिपेयरिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है। और 2012 का मॉडल है, और रनिंग कितना है इसका थोड़ा बता सकते हैं? रनिंग 44 समथिंग इसका रनिंग है। और प्राइस कितना होने वाला है? इसका आस्किंग प्राइस है 170 आस्किंग प्राइस है। आस्किंग प्राइस 170,000 इसका आस्किंग प्राइस है। बट आप यहां पर आने से नेगोशिएबल भी करा देंगे, थोड़ा बहुत बातचीत करने से नेगोशिएबल हो जाएगा। और हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है ये भी ऑल्टो, ये ऑल्टो LX है, 2008 का है, और इसका भी बनाने का कुछ भी नहीं है। ऑल्टो LX 2008 का मॉडल है, बनाने का कुछ भी नहीं है, मतलब रिपेयरिंग का कुछ भी नहीं है। नहीं है, नहीं है। और इसका आस्किंग प्राइस है 170,000 इसका आस्किंग प्राइस है। और रनिंग कितना बताया आपने इसका? रनिंग 50 समथिंग इसका रनिंग है, 50,000 समथिंग इसका रनिंग है। और बाकी 170,000 में ये आएगा, बिल्कुल ही अच्छा कंडीशन में है। और रिपेयरिंग करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, ये रिपेयरिंग करने के लिए। बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है ये भी एल्टो BXI है या LXI में है? LXI, ये LXI में है। और ये रनिंग कितना है इसका? इसका रनिंग 47,000 रनिंग है। मॉडल 2012 का मॉडल है। और प्राइस? प्राइस इसका 2 लाख आपका सब्सक्राइबर्स के लिए। अच्छा, हमारा सब्सक्राइबर के लिए कितना प्राइस करेंगे? 2,40,000 है, लेकिन आपका नाम से आने से कम कर देगा। अच्छा, हमारा कोई चैनल का नाम आके बताएंगे तो उन भैया के लिए थोड़ा अच्छा तगड़ा वाला डिस्काउंट लगाएंगे भैया। और बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है ये है ग्रे कलर में, और ये भी है ऑल्टो LXI में है। ऑल्टो LXI में है, और इसका जो रनिंग है कितना है? इसका रनिंग है 40 समथिंग इसका रनिंग है। और प्राइस क्या होने वाला है? आस्किंग प्राइस है 255 है। 255 आस्किंग प्राइस है। आपका सब्सक्राइबर के लिए एकदम डिस्काउंट करके, मतलब तगड़ा वाला डिस्काउंट लगाएंगे भैया सब्सक्राइबर के लिए। और मॉडल कितना बताया आपने? 2013 का मॉडल है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास अभी जो है ये है बुलेरो SLX है ये। और इसका मॉडल कब का है? 2013 का है। 2013 का मॉडल है। और रनिंग कितना है इसका? आस्किंग प्राइस 480 है, और 50,000+ इसका रनिंग है। और कब का मॉडल बताया आपने? 2013 का मॉडल है। और इसका प्राइस की बात करें तो 480,000 प्राइस है। बाकी नेगोशिएबल भी है भाई साहब, नेगोशिएबल आगे बातचीत करो, नेगोशिएबल हो जाएगा। और कार की कंडीशन के हिसाब से भैया प्राइस बता रहा है। यहाँ पर कोई भी आपको रिपेयरिंग करने के लिए नहीं होगा, बाकी सब कुछ ऑलरेडी रिपेयरिंग, मतलब ऑलरेडी सब कुछ काम किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे,
नेक्स्ट है स्कॉर्पियो, हमारे पास नेक्स्ट है स्कॉर्पियो और ये भी व्हाइट कलर में है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कंडीशन में है। बाकी इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन, इसका मॉडल अच्छा है, इसका मॉडल कब का है? वो 2011 का है, 2011 का मॉडल है। और रनिंग कितना है इसका? इसका रनिंग 70 रनिंग इसका है। और प्राइस कितना होने वाला है? इसका स्क्रीन प्राइस है 4,85,000 आस्किंग प्राइस है, बाकी नेगोशिएबल हो जाएगा, नेगोशिएबल करा देंगे भाई यहाँ पर आने से। और बाकी इस वीडियो में इतना ही है, बाकी हम आपको दिखाएंगे अगर लेकिन स्टॉक में है, स्टॉक अभी नहीं दिखा सकता है अभी। ओके, मतलब 2-3 दिन के अंदर और भी स्टॉक आने वाला है। हाँ। बाकी भाई के पास आओ, एक बार आके विजिट करो, यहाँ कार भाई क्वालिटी के हिसाब से कार मिलता है भाई के पास।